गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लेसन सिक्स चल रहा था। हम लोगों ने कल लिस्ट को बनाना सीखा था। जिस भी स्टूडेंट ने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो देख लीजिए, ठीक है। हमने कुछ इस तरह का कोड लिखा था, ठीक है, जिसमें हमने एक लिस्ट क्रिएट की थी, एप्पल बनाना ऑरेंज, जिसमें कि हमने UL टैग यूज किया था, मींस अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो UL यहाँ से लेके यहाँ तक चलता है, ठीक है। उसके बीच में LI टैग लगा है। LI मींस होता है लिस्ट आइटम। तो उस लिस्ट में जो आइटम्स हैं उनको वन बाय वन डिफरेंट डिफरेंट टैग में हमें लिखना पड़ता है। तो इसमें क्या होता था, देखिए, इसको हमने सेव किया था अंडरलाइन डॉट HTML नाम से। तो चलिए हम इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या आया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेव है, डबल क्लिक से ओपन करेंगे इसको। तो आउटपुट कुछ इस तरह से आया था। अब देख सकते हैं यहाँ पे सर्किल्स आते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या आता है इसमें, सर्किल, ठीक है, सर्किल बुलेट आती है। तो अगर हम इसकी सर्किल्स को चेंज करना चाहें तो इसमें एक एट्रीब्यूट लगता है UL में, अनऑर्डर्ड लिस्ट के स्टार्टिंग टैग में हम एक एट्रीब्यूट लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं टाइप। टाइप इक्वल टू, अब हमें उस अनऑर्डर्ड लिस्ट को किस टाइप में डिफाइन करना है, यानी कि किस तरह की हमें लिस्ट चाहिए। अनऑर्डर्ड होगी, लेकिन अगर हमें उस सर्किल की जगह स्क्वायर चाहिए तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, उसमें लिख देंगे स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर, ओके। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट अब किस टाइप की आएगी, स्क्वायर के टाइप की आएगी। इसको सेव कर लेंगे कंट्रोल प्लस एस से। जो आउटपुट पहले था इसको हम रिफ्रेश करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, इसका जो साइज है वो चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया। पहले सर्किल था, अब इसमें स्क्वायर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिस्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं। इस स्क्वायर की जगह हम सर्किल लिख सकते हैं, सर्किल सेव करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। सर्किल का कुछ बुलेट्स इस तरह की हो चुकी हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अगर हम बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की, यानी कि एक ऐसी लिस्ट जिसमें कुछ नंबर्स लिख के आए, जैसे कि एप्पल के आगे वन लिख के आए और बनाना के आगे टू, ऑरेंज के आगे थ्री, कुछ इस तरह से। ओके, तो ये थी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसमें क्या होता है कि आगे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे कि वन इक्वल टू एप्पल, और टू के आगे लिखा होगा। तो ये आपकी क्या, कैसी लिस्ट होती है, आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। इसमें कोई एक ऑर्डर फॉलो किया जाता है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट हम कैसे क्रिएट कर पाएंगे, देखिए, अनऑर्डर्ड का टैग था UL, ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग होगा OL, ऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ क्लोजिंग में भी OL हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सेव कर लेंगे, बाकी LI टैग सेम रहेंगे बिल्कुल, ठीक है। अब हम इसको करेंगे रिफ्रेश यहाँ से। तो बाय डिफॉल्ट देख सकते हैं यहाँ 1 2 3 लिख के आ गया, यानी कि ये एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है बाय डिफॉल्ट 1 2 3 को, ठीक है। अब इसमें भी टाइप एट्रीब्यूट लगता है, टाइप इक्वल टू, अगर हम चाहते हैं कि ए बी सी लिख के आए तो टाइप इक्वल टू हमें सिर्फ ए लिखना है। तो
तो वो समझ जाएगा कि ए से स्टार्ट होने वाली हमें लिस्ट क्रिएट करनी है, ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, तो इसको हम जब रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिक ए बी सी करके लिस्ट ऑटोमेटिक बनती चली जाएगी। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अगर हम यहाँ पे कैपिटल ए लिख देते हैं तो कैपिटल में लिस्ट बननी चालू हो जाएगी। देखिए कैपिटल ए लिख दिया हमने, इसको रिफ्रेश किया तो कैपिटल में ये लिस्ट बनेगी, कैपिटल ए एप्पल, बी बनाना, सी ऑरेंज। तो ये होती है ऑर्डर लिस्ट। अब हम यहाँ पे अगर स्मॉल आई लिख देते हैं तो ये रोमन नंबर्स को फॉलो करेगा। ऑर्डर लिस्ट किस तरह की आएगी? रोमन नंबर्स की। तो हमने सेव कर लिया, इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रोमन नंबर्स आ चुके हैं। ठीक है, तीन ही आइटम है अभी। अगर हम यहाँ पे कैपिटल आई लिखते हैं तो कैपिटल में रोमन नंबर्स फॉलो किए जाएंगे। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में। चलिए, तो ये टाइप एट्रीब्यूट दोनों में लगता है, अनऑर्डर लिस्ट में भी और ऑर्डर लिस्ट में भी। ओके, पेज नंबर 133, पेज नंबर 133, इसमें एक टेबल बनी हुई है ऊपर जो कि टाइप एट्रीब्यूट को डिफाइन कर रही है। ठीक है, तो ये आपको दिखाता है कि लिस्ट को क्रिएट करने के लिए अगर हम वन वैल्यू देते हैं तो 1, 2, 3 वाली लिस्ट क्रिएट होगी, कैपिटल ए देते हैं तो अपर केस, स्मॉल ए स्मॉल केस। ठीक है, इसी तरह से आपके रोमन नंबर्स चारों पांचों बता दिए मैंने आपको। ठीक है, बाकी लिस्ट आइटम के जो एलआई टैग हैं वो सेम रहेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। आप एक लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें कि ए बी सी करके लिस्ट होगी। ठीक है, उसमें आपकी लिस्ट होगी कंप्यूटर के पार्ट्स की। ओके, आज का ये होमवर्क है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।